गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दास स्कूल पे। शाम का वक्त है, शाम कहें या फिर यू कहा जाए कि रात का वक्त है, और बच्चे सभी खाना खाने के बाद आग तापने का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसलिए इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। आज मैंने कोई दिन वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा रात के वक्त जब बच्चे खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं और उससे पहले, सोने जाने से पहले कुछ इस प्रकार से आग जलाया जाता है और बच्चे पहले उसको अपने हाथ पैर को सेक लेते हैं अच्छी तरीका से, देन आफ्टर बच्चे सोने के लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आज के लिए जो खुशखबरी है हमारे लिए, जो जिसके लिए मैं पिछले 1-1.5 वर्षों से इंतज़ार कर रहा था, वो आज आकर पूरा हुआ। अपना चैनल जो कि मैंने 3-4 दिन पहले मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया था, और आज ये पूर्णतः मोनेटाइज हो गया है। आप सभी का दिल से आभार, आप सभी के मदद से, आप सभी के सहयोग से ये चैनल इस मुकाम पर पहुंचा कि आज अपना चैनल मोनेटाइज हो गया। और मैंने इसके लिए 3-4 दिन पहले फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन, जैसा कि क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का। अभी सारे बच्चे लाइन बाय लाइन यहाँ आकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, आग को जलाया जा रहा है, और साथ में टीचर्स भी हैं। यहाँ चंदन सर हैं नीचे, अभी प्रिंसिपल सर लोगों को ऊपर आने के लिए कह रहे हैं, और बच्चे सभी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। बैठ जाएंगे, आप लोग बैठ जाओ, और थोड़ा सा जब हाथ पैर गर्म हो जाए देन आफ्टर आप अपने स्थान पर जाकर सो जाएंगे। ये देखिए आग जल रहा है। मैं तो बच्चों का हमेशा ख्याल रख रहा हूँ, आप अपने घर पर अपना ख्याल रखिए, बच्चे का टेंशन लीजिए नहीं। बच्चे बिल्कुल यहाँ सही हैं, ठंड का मौसम है, और जाहिर सी बात है कि जब ठंड का मौसम है तो ठंड बच्चे को लगेंगे ही, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत कुछ व्यवस्था कर रखा है। रात के वक्त में सोने से पहले आग जलाना, या फिर जिस बच्चों को खांसी है उनके लिए स्पेशल दवाइयाँ मंगा कर रखना, सिरप मंगा कर रखना, क्या सही बात है कि नहीं? ये बताइए, आग ये आज जलाया जा रहा है कि डेली जलता है? डेली जलता है ना। आप लोग आग जलाने, आग सेकने के बाद ही ना जाकर सोते हो? कुछ इस प्रकार से व्यवस्था है हमारे हॉस्टल में, आप चाहें तो अपने बच्चों के माध्यम से सुन भी सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे इधर हॉस्टल में भी घूम रहे हैं, और मैं आपको उधर उन बच्चों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी कुछ बच्चे अंदर हैं हॉस्टल में, और ये कुछ इस प्रकार से है हॉस्टल का माहौल। और बच्चे यहाँ के बाद, यहाँ आने के बाद पहले अपने स्थान पर जाकर अपना बेड सही कर ले रहे हैं, देन आफ्टर फिर आने के वहाँ के बाद फिर यहाँ आकर अपना हैंड पहले आग से गर्म करेंगे, फिर उसके बाद जाकर सोएंगे। सही बात है ना? यस सर। अच्छा ये बताइए, इसमें किसी को खांसी है क्या जी? नो सर। नहीं है ना? अचानक से हो जाता है, जब बच्चे सिरप देखते हैं तो अचानक से खांसी हो जाता है, नहीं सही बात है कि नहीं? जब देखता है ना कि सिरप बट रहा है तो ठाए 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 मारना स्टार्ट कर देगा। ठंड का मौसम है तो मैंने बताया कि ये जाहिर सी बात है कि यहाँ थोड़ा सा सर्दी खांसी तो रहेगा ही। देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों का व्यवस्था है, चारों ओर से बच्चे बैठे हुए हैं, और बीच में आग का अलाह जोड़ा गया है, जिसको गांव के भाषा में बोला जाता है अलाह जोड़ना। और अलाह जोड़ने के बाद बच्चे पहले अपने हाथ पैर गला इस प्रकार से गर्म कर लेंगे, फिर बच्चे जाकर अपने बेड पर सोएंगे। सही है ना? ये डेली होता है कि आज पहली बार हो रहा है? पिछले तकरीबन 15 दिनों से। सही बात है कि नहीं अरमान? सही है ना? सही है ना? 15 दिन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सभी अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा उठा कर रख दो। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, मैं तो यहाँ बिल्कुल सही हूँ, नहीं ना? सही है ना तुम लोग? ये सभी बच्चे यहाँ बिल्कुल सही हैं, आप अपना घर में ख्याल रखिए। और जाहिर सी बात है कि ठंड का मौसम है तो थोड़ा बहुत ठंड तो लगेगा ही जी, क्योंकि ठंड का मौसम में ठंड नहीं लगेगा तो गर्मी में तो ठंड लगेगा ही नहीं, नहीं? तो आप अपने बच्चे को देख सकते हैं, और आप सभी का दिल से आभार कि आप लोगों की मदद से आज अपना चैनल, जो यूट्यूब चैनल है, वो मोनेटाइज पार कर गया है। बस मुझे प्रत्येक वीडियो में, चूंकि बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होता है, और
बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आम बात नहीं है चैनल को मोनेटाइज कर लेना। मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और बच्चे भी खुश हैं। और बच्चे का एक जिज्ञासा है कि सर आपने बोला था कि केक काटेंगे, तो मैं काट दूंगा और मैं बिल्कुल केक काटूंगा बच्चों के हित में। देखिए कब उसका प्रोग्राम बनता है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जैसा कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि सर ये स्कूल कहाँ है, यहाँ हमें एडमिशन लेना है, या फिर तरह तरह की बातें, सर आप हमें बताइए एड्रेस। तो मैं बता रहा हूँ, एड्रेस बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है पहले से ही, आप वहाँ से भी देखकर एड्रेस मालूम कर सकते हैं। साथ में वहाँ मोबाइल नंबर भी डाला हुआ रहता है, आप चाहें तो विद्यालय का जो लोकेशन है उसकी मदद से भी आप विद्यालय के बारे में पता कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस भी माध्यम से प्रत्येक चीज़ का जो भी है डाला हुआ वो डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है। चलिए वीडियो को तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस आप देख लीजिए कि आपके बच्चे यहाँ बिल्कुल अच्छी तरीका से, बिल्कुल जो एक ठंड में ख्याल रखना चाहिए, आप अपने घर में जो ख्याल रखते होंगे कुछ इस प्रकार से ख्याल बच्चे लोगों का यहाँ रखा जाता है। और ये सही बच्चे एक राउंड करने के बाद एक राउंड जाएंगे, फिर देन आफ्टर दूसरे राउंड के बच्चे आएंगे। चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आप सबका दिल से आभार फिर से, क्योंकि अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपके बच्चे बिल्कुल यहाँ स्वस्थ हैं, सही हैं, मस्त हैं और खूब अच्छे हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।